मैं सुग्रीव सर, स्मार्ट स्टडी विद सुग्रीव सर। आप लोगों को मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मैं कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी है उसको बना रहा हूँ और आप यूट्यूब पे डालूँगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि सुबह 10 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा, सो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है इसके लिए मैंने सिलेबस ले लिया है। और सिलेबस आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा, परिचय कराऊंगा सिलेबस से कि सिलेबस आप लोग जान जाए, फिर उसके बाद से कैसे कैसे हमको पढ़ना है। क्योंकि कोई भी रास्ता, कहीं भी अगर किस कोई भी मंजिल हमको प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं, रास्ते के बारे में कि कौन कौन से रास्ते हैं हमको उस मंजिल तक पहुँचाएंगे। वैसे ही इसमें है कि सिलेबस हमको जानना ज़रूरी होता है कि आखिर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या क्या दिया है, क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं सबसे पहला चैप्टर है। फिर दूसरा आपका पड़ेगा बहुपद, दूसरा हो जाएगा बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वेशंस। और चौथा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। छठवां है त्रिभुज, ट्रायंगल। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां पड़ जाएगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो 9 नंबर हो जाएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10 नंबर हो जाएगा आपका वृत्त। 11 चैप्टर हो जाएगा रचना, कंस्ट्रक्शंस। 12 हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। 13 नंबर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और 14 नंबर हो जाएगा सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी में हमको पढ़ना है माध्य, बहुलक और माध्यिका या माध्यक। और लास्ट हो जाएगा का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद से ख़त्म। ये कुल मिला के 15 चैप्टर हैं और ये 15 चैप्टर को हमको पढ़ना है, जो टोटल 100 मार्क्स के हैं। कुल कितने मार्क्स के, टोटल आपका 100 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स के हो जाएंगे। और हमको अब ये लक्ष्य लेकर चलना है कि टोटल जो हम नंबर है 100 मार्क्स, इसमें 90 प्लस स्कोर करना है। कितना, 90 प्लस हमको स्कोर करना है, बस ये हमारा उद्देश्य रहेगा और लक्ष्य रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है।